गाइस वी आर डूइंग दिस। अब देखते हैं क्या आता है, इसमें मजा आएगा या डर लगेगा। सो लेट्स ट्राई इट। एड्रेनलिन every single day I'm gonna make something great, that's my way, every single day I'm gonna make something great। Hello guys, what's up, मेरा नाम है वरुण बहल और आप देख रहे हैं इल्यूजनिस्ट वरुण भी। सो गाइस आज है शूली मेला और जो आज की वीडियो है, आज हम इसमें घूमेंगे मेले में और आपको हर एक चीज़ें दिखाएंगे कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। एंड यहाँ से आपको पता भी लगेगा कि सोलन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सबसे फेमस है मेला। ठीक है, ये पीछे ठोडो ग्राउंड है, यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे लगा हुआ है। शायद से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि नहीं, बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये शूलनी मेला और ये झूले लगे हुए हैं। सो ये मेला हमेशा जून के महीने में लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले में। यहाँ पे लोग जो सोलन है, सोलन माता शूलनी के नाम पे रखा गया है, सो उनके लिए ये मेला लगाया जाता है। एंड हर महीने ये जून के महीने में लगता है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और कुछ घूमने के लिए आते हैं, कुछ सामान लेने के लिए आते हैं, इंजॉयमेंट के लिए, और अपने हिसाब से लोग भंडारे वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। तो आज के ब्लॉग में हम मेले में घूमेंगे और अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ फेमस चीज़ें हैं, जो शूलनी माता की पाल की जाती है, वो अपने सिस्टर को मिलने जाते हैं अपने मंदिर से, एक वो है यहाँ पे फेमस, एक ये झूले हो गए, तीसरा भंडारे हो गए, एंड हॉकर्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलता है और ये 3 दिन रहता है। सो चले हम क्या वहाँ पर मेले में घूमने, एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, इससे मेरे को सपोर्ट मिलती है। सो गाइस चलते हैं अब घूमने के लिए, बाय। सो गाइस अब हम बिल्कुल पास आ चुके हैं, किसके, हम बिल्कुल पास आ चुके हैं मेले के, अब मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है एंट्रेंस शूलनी मेला के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाइंट व्हील भी है और जो है रिंग गेम्स भी हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ है, बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ऐसे झूले हो गए, काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इन्जॉयमेंट में लोग यहाँ पे। अब आई थिंक कि हमें उस वाले झूले पे जाना चाहिए और वहाँ पे झूलना चाहिए और वहाँ से कुछ कंटेंट बनाना चाहिए, है ना। चलो देखते, अगर हमें जगह मिल गई तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइस चलते हैं अब उसकी तरफ। सो गाइस वी आर नाउ गोइंग टू दिस वन, दिस बिग व्हील। थोड़े से नर्वस भी हूँ बट देखते हैं, मज़ा भी आएगा यार। यू कैन सी अच्छी स्पीड में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। गाइस वी आर डूइंग दिस, अब देखते क्या आता है, इसमें मज़ा आएगा या डर लगेगा। सो लेट्स ट्राई इट। एड्रेनलिन रश हो रहा है बहुत ज़्यादा एंड हम धीरे धीरे हाइट पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और अब मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मैं पहली बार ऐसे किसी झूले में झूलने जा रहा हूँ, ऐसे जाइंट व्हील में। ओ माय गॉड, द हाइट इज इंक्रीजिंग एंड आई एम एंजॉयिंग दिस, ओ माय गॉड। सो गाइस ये है शूलनी मेला, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। अब देखो आप पीछे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, मतलब कि फूड स्टॉल्स हैं पीछे, रश है, लोग पसंद कर रहे हैं खाना, यही इंजॉयमेंट होती है। इंडिया में मेन चीज़ तो है फेस्टिवल और ये छोटे छोटे मेले जिसमें आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप कभी किसी मेले में जाते हैं तो उस चीज़ को आप इंजॉय करें, उधर जीने की कोशिश करें, आपको पसंद आएगा, वो चीज़ आपके लाइफ के लिए एक मेमोरी बन जाएगी, है ना। आप इस चीज़ को जीना सीखिए, हम अगर प्रेजेंट में ऐसे मूवमेंट्स को जीना सीखते हैं ना तो हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स हमारी लाइफ के मतलब पहलू को चेंज कर सकती है, नज़रिया चेंज कर सकती है लाइफ को देखने का, है ना। अब मैं और घूमता हूँ और आपको और दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीटिंग है बैठने के लिए और ये मेन स्टेज है फोटोग्राफ में। यहाँ पे क्या होता है कि
जो परफॉर्मर्स आते हैं हिमाचल से और पंजाब हरियाणा या इंडिया, पूरे इंडिया से यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं और लोग यहाँ पे शाम को आके इंजॉय करते हैं। मतलब एक तरह का एंटरटेनमेंट है और जो पूरी पब्लिक है उसके लिए ये चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब रात के टाइम आए। अब अभी तो हम सुबह आए हैं तो फिर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना मुश्किल है। बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे एग्जीबिशंस लगी हैं अलग अलग तरह की, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जीबिशन है या खाने पीने के लिए है या मतलब कि फूड प्रोडक्ट्स के लिए है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए इस तरह की एग्जीबिशंस भी लगती हैं साथ में। अब आप पीछे तो रश देख ही सकते हो मेरे की कितना ज़्यादा है। इस शूलनी मेले में सबसे ज़्यादा रश यहाँ होता है माल रोड, यहाँ पे अलग अलग तरह के भंडारे होते हैं, लॉट ऑफ क्राउड इज हियर। काफ़ी मज़ा भी आता है बट दिक्कत भी होती है, क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे को चलने में भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कितना रश है, कितना एक्सपेक्टेड रश हुआ है यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही है। और इन्जॉयमेंट तो होती है अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं या फैमिली के साथ आते हैं तब आप इस चीज़ को इन्जॉय कर पाते हैं सही तरीके से। देखिए तो अब आएंगी आगे, अगर हमें मौका मिला तो झांकियां देखने का भी मौका मिलेगा एंड पालकी भी शायद से दिख जाए शूलनी माता की। लेट्स होप कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए हमें। ठीक है, ठीक है गाइस, अब मैं जाके कोई सेफ जगह पे लेता हूँ पोजीशन कि हम अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। ओके बाय बाय तो नहीं, मैं पोजीशन तक के लिए बाय।